लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। MIDC ने आज दीघा की अवैध अंबिका इमारत को ध्वस्त कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अवैध बिल्डिंग को 7 साल पहले सील करने और उसे तोड़ने का आदेश दिया था। 5 महीने पहले कुछ दबंगों ने 70 फ्लैट वाली इस इमारत में अपना कब्जा कर लिया था। टीवी वन इंडिया ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था, जिसके बाद जागे MIDC प्रशासन ने बिल्डिंग को तोड़ने की पहल शुरू की। देखिए टीवी वन इंडिया न्यूज इम्पैक्ट। इंडिया न्यूज इम्पैक्ट। ध्वस्त हुई अंबिका। टीवी वन इंडिया की खबर का आज बड़ा असर दीघा में उस वक्त देखने को मिला जब MIDC ने यहां अवैध रूप से कब्जे में ले लिए अंबिका बिल्डिंग्स को जमीन दोज कर दिया। 70 फ्लैट वाली इस अवैध अंबिका बिल्डिंग को 7 साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश के बाद सील कर दिया गया था, लेकिन 5 महीने पहले कुछ दबंगों ने ताला तोड़कर यहां कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, यहां अवैध पानी और बिजली का कनेक्शन भी जोड़ दिया गया था। लेकिन टीवी वन इंडिया की खबर के बाद मनपा और MIDC प्रशासन को यहाँ का पानी और बिजली कनेक्शन काटना पड़ा। असल में बिल्डिंग की पूरी जमीन पिरामिड बिल्डर्स को आवंटित हुई, लेकिन इमारत नहीं तोड़ने जाने से प्रत्यक्ष आवंटन नहीं हो सकता था। इसे लेकर बिल्डर्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील किया था, जिस पर कोर्ट ने 30 नवम्बर से पहले इमारत तोड़कर जमीन सौंपने का आदेश दिया था। MIDC की यह कार्यवाही कोर्ट के डेडलाइन के मुताबिक की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।